Hello and welcome back to this channel. Dear students, today's session is magnetic flux density and Maxwell's equations for magnetostatics. ये लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर टू के लिए. हर एक इसके पहले के यूनिट नंबर टू के जितने भी टॉपिक्स हैं, आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ ऑल द वीडियोज विच आर रिलेटेड टू यूनिट नंबर टू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो प्रेजेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. जैसे हर एक डेंसिटी, हमने करंट डेंसिटी लर्न किया है. हाउ टू डिफाइन करंट डेंसिटी? इट इज जे बार, दैट इज करंट डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल करंट अपॉन सरफेस एरिया. ऑन द सेम लाइन्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिनोटेड बाय नोटेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय नोटेशन फाइ. इफ सरफेस एरिया इज डिनोटेड बाय एस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल बी बी इज इक्वल टू फाइ बाय एस. द नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज बी. सिंस इट इज अ वेक्टर, आई कैन राइट इट एज बी बार इज इक्वल टू फाइ अपॉन एस. तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल सरफेस एरिया. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. डेफिनेशन बहुत सिंपल है. अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स अपॉन टोटल सरफेस एरिया इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. जैसे देखो, हर एक केस में इस सब्जेक्ट में यू नीड टू राइट ऑप्टेन द इक्वेशन इन डिफरेंशियल एज वेल एज इन इंटीग्रल फॉर्म. जैसे कैसे कोरिलेट करना है? ये टोटल फ्लक्स फाई है, दिस इज टोटल सरफेस एरिया एस. इफ आई विल कंसिडर स्मॉल सरफेस एरिया, देन दैट इज डिनोटेड बाय डी एस. करस्पॉन्डिंग फ्लक्स विल बी डी फाइ. सो बी बार बिकम्स डी फाइ अपॉन डी एस इफ आई एम कंसिडरिंग स्मॉल फ्लक्स एंड स्मॉल सरफेस एरिया. But this is differential area which is a vector term, so I will write d phi upon ds bar. From this I can write d phi is equals to b bar dot ds bar. Ye ds bar LHS mein shift kiya. This is the equation of b phi. If I want to obtain equation of phi, dekho ye d phi ka equation. इफ यू वॉन्ट टू इलिमिनेट डी साइन, मतलब डेरिवेटिव कैंसिल करना है तो इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. इफ आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, देन दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एस बार. सिंस इट इज सरफेस इंटीग्रेशन, आई विल मार्क द साइन लाइक दिस एंड आई विल रीड इट लाइक दिस. क्लोज सरफेस एरिया और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन. सो फाइ टोटल फ्लक्स इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी एस बार. दिस इज द इक्वेशन ऑफ फाइ इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी बार. अब इफ इट इज अ क्लोज सर्फेस एंड इफ यू आर इंटीग्रेटिंग फॉर अ क्लोज सर्फेस, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जितने लाइन्स बाहर आ रहे उतने लाइन्स एंटर करेंगे इन केस ऑफ अ क्लोज सर्फेस. सो टोटल क्लोज सर्फेस एरिया फॉर द क्लोज सर्फेस, आई मीन इफ यू आर कैलकुलेटिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, देन इन दिस केस The answer of this integration must be zero. Simple technique याद रखना है. If it is a closed surface, magnetic flux line closes themselves around the closed surface. इसका क्या मतलब है? अगर closed surface integration ले लोगे magnetic के केस में, magnetic field lines के केस में, then closed surface integration is always zero. So I can write closed surface integration of b bar dot ds bar is equals to zero. This is called integral form of Gauss law. Integral form of Gauss law for magnetic field. So it is integral form of Gauss law for magnetic fields and it is one of the Maxwell's equation for magnetostatics. इसके पहले भी हम लोगों ने Maxwell's equation discuss किए पहले के वीडियो में. Okay. Now in case of electrostatics we have learned one important formula, that is the point form of Gauss law, that is del dot d bar is equals to rho v. ye electrostatics ka hai, matlab static electric field ke liye del dot d bar is equals to rho v. d bar is electric flux density, rho v is volume charge density. jaise humne discuss kiya, in case of magnetic field lines, the if it is a closed surface, magnetic field lines closes themselves. That means for magnetic field I can write it like this, del dot b bar, d bar ke badle mein b bar aega, equals to zero because magnetic field lines closes themselves. This is called
point form of Gauss law. So it is point form of Gauss law for magnetostatics. Now let us solve few numerical to clear this concept. The given numerical is a radial field h bar. देखो ये word बहुत important है. Radial field means along the radius. That means the direction is a r bar. So radial field h bar. This is the given equation of radial field h bar. 3.2 into 10 raised to 6 upon r cos phi a r bar. Ampere per meter. It is a unit of h bar. Exist in free space. Calculate magnetic flux crossing the surface minus pi by pi. 4 to plus pi by 4, this is variation of phi, and 0 less than z less than equals to phi, so 0 to phi is variation of z. Pahila part, kaun sa coordinate system select karna hai and why? Very simple, look at the given coordinates, it contains r, phi as well as it contains z, so r, phi, z are coordinates related to cylindrical coordinate system, that means I need to choose cylindrical coordinate system. In case of cylindrical coordinates, variation of r is dr, variation of phi is r d phi, variation of z is dz. Corresponding directions we know, direction related to this is ar bar, a phi bar related to z, it is a z bar. So we are making use of cylindrical coordinate system. Alright, ab pahila part, ye h bar diya hai, recall the formula, what we learned just now, magnetic flux is given as closed surface integration of b bar dot ds bar. Do not get confused. अभी हम लोगों ने एक concept learn किया. अगर closed surface है, total closed surface है, तो इस integration का answer 0 आएगा. But if you are integrating for only some portion of a closed surface, answer will not be 0. जैसे देखो, यहाँ पे phi हम -4 से +4 तक integrate कर रहे हैं, और z 0 to phi तक कर रहे हैं. So we want to calculate what is amount of flux coming out from a particular portion of total surface, not from the entire surface. Okay. ये h bar दिया है पहला part. हम लोगों को यहाँ पे b bar का equation generate करना है. So let us first calculate b bar. B bar is magnetic flux density. Basic formula is mu zero h bar. B bar is mu zero h bar. Mu zero is called permeability of a free space and value of mu 0 is 4 pi into 10 raised to minus 7. So let us calculate b bar. 4 pi into 10 raised to minus 7 into h bar, as it is 3.2 into 10 raised to 6 upon r cos phi a phi bar. So I have simply put the value of mu 0 and value of h bar. If you simplify this, then answer of b bar will be 4.02 upon r cos phi. This direction is a r bar, not a phi bar. This is a r bar, so it is a r bar. So this is the equation of b bar. Ab isme hume values put karna hai. We need to generate direction. We need to generate equation of ds bar. What we learned earlier. B bar dot ds bar ले रहे हम लोग, मतलब dot product ले रहे, तो dot product लेते वक्त एक vector का direction हमें पता है, तो direction of second vector must be same as that of first vector. So if direction of B bar is AR bar, direction of ds bar must be AR bar. ये surface का equation calculate करना है, मतलब I need to calculate equation of ds bar. तो rule क्या है, जो direction है वो component delete करना है. Direction is AR bar, so I will delete dr. So ds bar will be r d phi dz and direction is a r bar. So in this formula, I need to make use of this formula. In this formula, let us put the limits, I mean put the values. So I will write the new equation as phi is equals to closed surface integration. B bar ka value as it is put karenge 4.02 upon r cos phi. ये AR bar का dot product इस AR bar के साथ ले लेंगे, बाकी magnitudes as it is put करेंगे, मतलब R d phi dz and in the bracket dot product of unit vector AR bar dot AR bar, मतलब ये और ये direction का हमेशा dot product calculate करते हैं. So now this is the equation of integration, I mean equation of phi.
वेरिएबल्स देखो इंटीग्रेशन के, डी फाई और डी जेड, मतलब फाई और जेड वेरिएबल है, ये आर और आर कैंसिल करेंगे, टेक कांस्टेंट आउटसाइड, सो 4.02 एक इंटीग्रेशन में आएगा कॉस फाई डी फाई, दूसरे इंटीग्रेशन ए आर बार डॉट ए आर बार बिकम्स 1, सो आई एम डिलीटिंग इट, दूसरे इंटीग्रेशन में डी जेड लिखेंगे। चेकआउट द लिमिट्स, फाई के लिमिट्स होते हैं माइनस पाई बाय 4, ये माइनस पाई बाय 4 है, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, वी नो द रूल, अगर फाई के लिमिट्स दिए नहीं है इक्वेशन में तो स्टैंडर्ड लिमिट्स वी हैव टू टेक 0 टू 2 पाई, प्रेजेंटली दीज आर द गिवन लिमिट्स, माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 डी जेड, जेड के लिमिट्स 0 टू 5, 0 टू 5, अगेन विदाउट फेल, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन कैलकुलेटर keep calci in radian mode because limits are in terms of pi. So if you solve this integration, answer will be 11.37. और ये flux phi का answer है, so its unit is Weber's. So this is the final answer. Next problem, find the flux crossing the plane surface defined by 0.5 less than r less than equals to 2 and z from 0 to 3 meters if b bar is 4 by r a phi bar. अब देखो ये numerical ज्यादा simple है compared to earlier numerical. B bar is directly given. B bar is magnetic flux density. 4 upon r. Direction is a phi bar. Like the previous sum, we have the formula to calculate phi. So phi is closed surface integration of b bar dot ds bar. Like the previous sum, coordinates are related to cylindrical coordinates because r, phi and z are the notations used in this numerical. These are the cylindrical coordinates we already discussed. सोचना कैसे? B bar का direction a phi bar है, तो मुझे ds bar का equation generate करना है. So direction of ds bar must be same as direction of b bar. Reason we already discussed. तो a phi bar direction होना चाहिए, इसलिए phi से related component मतलब ये term cancel करना है. So equation will be dr dz a phi bar. Let us put these values in the integration. Therefore phi is equals to closed surface integration of 4 upon r into dr dz a phi bar dot a phi bar. We know that a phi bar dot a phi bar becomes 1. So, take 4 outside the integration, एक bracket, एक integration में लिखेंगे 1 by r dr, r के limits check कर लो, r के limits से 0.5 to 2, so I will write the limits 0.5 to 2, second integration में dz आएगा, variable is dz, and limits of z are 0 to 3, so I will put the value 0 to 3, if you solve this on the calculator, you can well solve it manually, so answer will be 16.64 Weber's. So this is the value of flux passing through a given portion of a closed surface. So that's it for today's session and that's it for unit number 2. So thank you. Thanks a lot for watching this series.